सोशल मीडिया पर अक्सर अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं। वहीं इसी बीच एक अनोखा वीडियो सामने आया है जिसमें एक ठेले वाला हेलमेट लगाकर सब्जी बेचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के हेलमेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके चलते जगह जगह पर हेलमेट की चेकिंग की जा रही है और हेलमेट न पहनने वालों को समझाइश दी जा रही है। इतना ही नहीं, कानून तोड़ने वालों को चालान भी काटा जा रहा है, जिसे देखते हुए एक ठेले वाले भी हेलमेट पहनकर घूमता दिखाई दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो लोगों को दिल खुश कर दे रहा है, साथ ही लोगों को जागरूकता भी कर रहा है। वीडियो सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे ने शेयर करते हुए लिखा है कि डर नहीं, जागरूकता चाहिए। दरअसल सीधे जिले के कलेक्टर के पास शनिवार को पुलिस की चेकिंग लगी थी, हेलमेट ना पहनने वालों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक ठेले वाला हेलमेट पहनकर वहां से गुजर रहा था। ठेले वाले को हेलमेट पहन देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी सब्जी बेच रहे ठेले वाले से हेलमेट पहनने के कारण पूछ रहे हैं, तो युवक जवाब देता है कि आगे चेकिंग चल रही थी इसलिए पहना है। हेलमेट ना पहनने वाले लोगों को रोका जा रहा है, मुझे लगा कि पुलिस हमें भी रोकेगी, इसके बाद मैंने भी हेलमेट पहन लिया। पुलिस अधिकारी ने समझाइश दी कि ठेले पर हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है, जिसका हेलमेट पहना है लौटा दो।